मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बगल में लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। राजस्थानी तरीके से पापड़ की सब्जी बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में हमारे पास कोई सब्जी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन पापड़ तो हर वक्त हमारे घर में होता है। इस पापड़ से आप बहुत ही चटपटा सब्जी बनाकर तुरंत तैयार कर सकती हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। आप पापड़ से बनी ये सब्जी एक बार खाएंगे तो आप बाकी सभी सब्जियों को भूल जाएंगे। मैंने पापड़ की सब्जी बनाने के लिए कुछ पापड़ लिया है, इसके छोटे छोटे पीसों में टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे सेक भी सकती हैं। मैं तो कच्चे के ही बनाऊंगी, कच्चे पापड़ के भी सब्जी अच्छे बनते हैं। इसे मैंने तोड़ लिया है। ये मैंने एक हरी मिर्च को चॉप किया है, ये एक इंच अदरक का टुकड़ा है इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं पापड़ का मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा हल्दी, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे बस सब्जियों का कलर बहुत ही सुंदर आता है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब इस मसाले को हम तेल में डालेंगे तो ये मसाला हमारा जलेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई को रखा है, इसमें अब हम थोड़ा सरसों तेल डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं सरसों तेल में बना रही हूँ। सरसों तेल में ये सब्जी और भी चटपटी बनेगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें एक तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, एक चुटकी से जरा सा ज़्यादा हींग, ये कटी हुई हरी मिर्च, ये चॉप्ड अदरक। अब इसे चला लेंगे। मसाला हमारा भून गया है, अब इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था वो अब डाल देंगे और इसे थोड़ा चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे। मसाला हमारा भून रहा है, इसे ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें 1 चम्मच दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसे लगातार चलाना है, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा। तेल हमारा मसाला से अलग होने लगा है, इसका मतलब मसाला हमारा भून गया है। अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम तेज कर देंगे। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर और थोड़ा करी पत्ता को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। करी पत्ता को भी मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब सबको चला लेंगे। पानी उबलने लगा है, अब इसमें अपने पापड़ के टुकड़े को डाल देंगे और थोड़ा इसे चला लेंगे। बस अब 2 मिनट में हमारी पापड़ की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। हमारा राजस्थानी तरीके से सब्जी बनकर तैयार है। राजस्थानी तरीके से बनाया गया हमारा पापड़ का चटपटा और टेस्टी सब्जी बन के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी और भी अच्छी अच्छी और नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।